सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कहां से कहां सुशासन बाबू अपना गेम खेलते हैं। याद करिए 9 तारीख को हमारे सामाजिक न्याय के योद्धा अबोलों के विरोध आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का 2 मिनट का संबोधन हुआ, आप सभी लोग अवगत हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी उस वर्चुअल मीटिंग में शामिल थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये निर्देश दिया पूरे पार्टी कार्यकर्ताओं को, जो खुद से पहले से लगे हुए थे, नेता, MLA, 75 MLA हम हैं, फिर महागठबंधन के 110 लोग हैं, 110 जगह लोग अपना और सैकड़ों साथी लगे हुए हैं। हर इलाके में जितना बन पड़ता है कार्यकर्ता, नेता, MLA पीड़ितों के सहयोग में लगा हुआ। हाँ, किसी को आदत होती है मीडिया को पीछे से चलने का, तो इस पर हमको ज्यादा ना कुछ करना है। हमारे आदरणीय नेता ने 9 तारीख को एक गंभीर अपील, भावनात्मक अपील पार्टी वासियों से सब किया, राष्ट्रीय जनता दल के साथियों से किया, तेजस्वी जी भी अपील किए, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा कि सभी लोग जहां हैं वहीं पार्टी के साथी, कोरोना पीड़ितों को जहां अदम्य दुख में है, अति तकलीफ में है लोग, ऑक्सीजन का किल्लत है, बेड का किल्लत है, शासन सत्ता प्रतिष्ठान फेल है, सुशासन बाबू हों कि देश के चौकीदार साहब हों, सारे लोगों की स्थिति बहुत ही खराब है, तो हम समाज के साथ खड़े हैं। और हमारे पार्टी ने उसी दिन एक निर्देश भी जारी किया कि हर जिला में हम ये कोविड पीड़ितों के लिए अलग से अपना जिला, उनको सहायता के लिए दवा दारू जिस तरह का भी सहायता हो उसके लिए हम हर जिला में अपनी शाखा खोलेंगे, क्वारंटाइन कोविड कंट्रोल सेंटर खोलेंगे राष्ट्रीय जनता। अब ये देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन उसे 2-3 दिन पहले ही पप्पू यादव जी गए, वो मरहूम शाहबुद्दीन साहब के परिवार से मिलने, और उस दिन जो घटना हुई है, जो BJP के सांसद राजा राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने जो छुपा के रखा था इस कोरोना काल में भी एम्बुलेंस को, ये जब जाहिर है हम लोग सब जानते हैं, ये पप्पू यादव जी ने उसको जाकर के वहाँ उजागर किया, ठीक है। मेरा ये कहना है कि उस दिन भी गिरफ्तारी हो सकती थी, उसके बाद भी गिरफ्तारी हो सकती थी, ये आखिर हो क्या रहा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के निर्देश के बाद अपनी सक्रियता के, पार्टी की सक्रियता को देख करके हमको कटघरा में खड़ा करने के लिए या हमारे अंदर एक विवाद पैदा करने के लिए सुशासन बाबू ने ये चाल चला है, सत्ता प्रतिष्ठान के लोगों ने ये चाल चला है, गिरफ्तारी का नाटक किया गया है, ये नुरा कुछ नहीं। मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं मधेपुरा से कंटेस्ट कर रहा था, MLA हूँ, पप्पू यादव जी भी वहीं से कंटेस्ट कर रहे थे, मधेपुरा वास्तव में उनका जमानत जब्त कराया, आप लोगों को सूचित होगा। और उस समय अब देखिए, ओरिजिनल कॉपी सर्टिफाइड कॉपी है मेरे मोबाइल, मैंने जिलाधिकारी को को जो दिया जाएगा उसकी फोटो कॉपी है, ठीक ठीक, हमने ओरिजिनल दिखा रहे थे सिर्फ, ये ओरिजिनल इसलिए दिखा रहे थे, देखिए है, मैंने RTI एक्ट के तहत कोर्ट में आवेदन दे करके सूचना मांगा कि ये 9 नवासी में जो नवासी का केस है अपहरण के मामले में, उमा यादव और राम कुमार यादव के अपहरण के मामले में पप्पू यादव वारंटी है, इश्तहार निकला हुआ है, कानून तोड़ने वाले लोग हैं, जब जाहिर है तो इनकी गिरफ्तारी हो, और ये जब गिरफ्तारी नहीं हुई पूरा बिहार में ये घूम घूम करके अपना प्रचार कर रहे थे, लेकिन एक साजिश करके अपना एडमिट हो गए PMCH में, और यहीं से शपथ पत्र भेजे, उनके जो इलेक्शन एजेंट हैं अभय कुमार, वो वहाँ उपस्थित थे, मैंने पेपर है आपको देंगे, मैंने लिखित रूप से स्क्रूटनी के टाइम में निर्वाची पदाधिकारी को कहा कि साहब इन्होंने फैक्ट छिपाया है, अपराध एक संज्ञेय अपराध में ये फरार चल रहे हैं लगातार,
और इन्होंने इस फैक्स को अपने नॉमिनेशन पेपर में छिपाया है, इसलिए इनका नॉमिनेशन रद्द होना है। और मैं आपको बताता हूँ कि पूरे सरकार के संरक्षण में कलेक्टर हों, जिला प्रशासन के लोग हों, सारे लोगों ने इनको सुरक्षा दिया। मधेपुरा में इनका हेलीकॉप्टर चार जगह लैंड किया, पूर्व सूचना हम लोगों ने दिया लिखित, कलेक्टर ने रिसीव नहीं किया। तो बिना सरकार के संरक्षण का, सुशासन भाव के संरक्षण का, ऐसा व्यक्ति जो वहां से मधेपुरा में चुनाव लड़ रहा था, इसका मतलब ये नूरा कुश्ती था। 2015 का चुनाव आप लोग याद करिए, पूरा बिहार में चुनाव लड़ा है, केठो सीट मिला इनको, पता नहीं कहीं जमानत बचा के नहीं। और इस बार 2020 के चुनाव में खुद अपनी जमानत गंवा दी है, पता नहीं कहीं जमानत बचा के नहीं। तो ये जो सांप्रदायिक ताकतों के हाथ में खेलते हैं, सामाजिक न्याय समाजवाद को कमजोर करने का काम करते हैं। और ये एक दिन की बात नहीं है, पता नहीं हम लोग देखते नहीं है, लेकिन कई ढंग का आरोप है। हेलीकॉप्टर किसने दिया और क्या क्या किसने दिया, कोई देखा नहीं? आप लोग जानकारी पर छोड़ता हूँ, समाज को पर छोड़ता हूँ कि आखिर जब एक सीट मिलने वाला किसी पार्टी को नहीं हो, तो वो जो चुनाव लड़ते हैं, इसका मतलब है वोट कटवाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि उस समय नीतीश बाबू इसलिए गिरफ्तार नहीं कराए, इसलिए उनको संरक्षण दिए, उस समय राष्ट्रीय जनता दल का वोट करता, राष्ट्रीय जनता दल के आधार में छेद होता, तो पप्पू यादव एक बड़ा कुछ के रूप में काम करते, तो शासन सत्ता और सत्ता प्रतिष्ठान पर बैठ के लोगों ने उनको संरक्षित करके न तो उनको गिरफ्तार कराया लिखित देने के बावजूद भी, न ही उनका नॉमिनेशन रद्द किया, और ऊपर से कहा कि नहीं हमको पावर नहीं है नॉमिनेशन रद्द करने का। बताइए, सब लोग जानते हैं कि आपने अगर फैक्स छिपाया, और आपको आश्चर्य होगा कि बाद में टेम्परिंग करके, पहले 27 केस, अब बाद में टेम्परिंग करके सुनते हैं 5 करोड़ करवा दिया, ये तो कभी कर सकता है सत्ता का, कोई आसान काम है? तो मेरा ये कहना है कि संपूर्ण रूप से सुशासन बाबू का और देश में बैठे चौकीदार का जो कोरोना में फेल है। अरे भाई, इसी दुनिया में ताइवान एक देश है, जहां 100 की संख्या में नहीं गया, वुहान के बॉर्डर का इलाका है ताइवान देश, 5 करोड़ की आबादी है, 100 बीमार लोग भी नहीं हुए, और यहां बीमारे बीमार है। अभी दुनिया का सबसे खराब हाल हिंदुस्तान का हो गया, तो कैसा देश चला रहे हैं आप समझ लीजिए। एक देश के चौकीदार साहब हैं, वो सेंट्रल रिश्ता बनाने में कोरोना नहीं होता है, मगर हर जगह कोरोना हो रहा है, चुनाव में कोरोना नहीं हुआ, बिहार का चुनाव कराया गया, वेस्ट बंगाल सहित 5 राज्य का चुनाव कराया गया। इसलिए सुशासन बाबू हों कि देश के चौकीदार हों, ये लोग सांप्रदायिक शक्तियों के हाथ के, एक तो सीधे सांप्रदायिक ताकत है, एक सांप्रदायिक ताकत के हाथ में खेल रहे हैं, पलटू बाबू सब लोग जानते हैं। तो इनके राह को कैसे मजबूती मिले, तो ये भीतर के मेल से ये गिरफ्तारी कराई गई है कि समाज में एक संवाद जाए और हमारे अंदर में। और मैं मजबूती से कहता हूं कि एक भी आदमी जब इस सत्य को जान लेगा कि पप्पू यादव जी लगातार फैक्स को छिपा करके एक रत्नाकर डाकू वाल्मीकि हो गए, एक चीज है, या अपहरण का एक हिस्सा है क्या सर? अभी का मुद्दा क्या है, अभी का जो मुद्दा क्या है? नहीं, मुद्दा ये है, मैंने स्पष्ट किया इस बात को, मुद्दा ये है कि पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी हुई है, ये शासन सत्ता के साजिश के अंदर सामाजिक न्याय और समाजवाद के धड़ा को कमजोर करने के लिए, सोशल जस्टिस को कमजोर करने के लिए और सांप्रदायिक ताकतों को मजबूती देने के लिए उनकी गिरफ्तारी का खेल खेला गया है। इसमें साजिश है सरकार के लोगों का, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि मेरे चुनाव के टाइम में आप गिरफ्तार नहीं करते हो, उसके बाद 4-5 महीना गुजर गया आप गिरफ्तार नहीं करते हो, लिखित देने के बाद भी आप गिरफ्तार नहीं करते हो, इसका मतलब आज गिरफ्तारी का क्या कारण हुआ? आज से पहले भी तो गिरफ्तारी हो सकती थी, इसलिए आज गिरफ्तारी का सीधा कारण यह है कि हमारे मतदाता के बीच में सोशल जस्टिस को मानने वाले लोग, डॉक्टर लोहिया, भीमराव अंबेडकर, महात्मा फूले, पेरियार, जननायक कर्पूरी ठाकुर के राह को कमजोर करने वाले फहरिस्त में चूंकि पप्पू यादव शामिल है, तो उसके अंदर कंफ्यूजन कराने के लिए काम किया गया है, बाकी कोई काम नहीं।